अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बी शरहली सदरी व यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास वर्स नंबर 51 है सूरह मरियम की। अल्लाह ताला अब हमें मूसा अलैहिस्सलाम का बताने जा रहे हैं। इन आयात में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से नियत कर लें, आप अपने दिल में नियत कर लें, इरादा कर लें पुख्ता कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत अच्छे से सीखना है और मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो हमारे लिए सबक है उनको देखना है, मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी से सीखना है आपने इंशाल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में लास्ट हमने पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेसन बहुत अच्छे से किया होगा इंशाल्लाह। आपने आज आफ्टर क्लास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो आयात थी उनमें आपने क्या सीखा, रिफ्लेक्शन शेयर करना है इंशाल्लाह। वर्स नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वज़कुर आप जिक्र करो, वा का मतलब और अज़कुर आप जिक्र करो, फिल किताबी किताब में मूसा मूसा का, इन्नहू यकीनन वो काना था, मुखलसन खालिस किया हुआ, वकाना और था, रसूलन रसूल, नबिया नबी, रसूल और नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप पहले कितना जानते हैं, आप चाहें तो उसको इधर चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको क्या क्या पता है जरूर शेयर किया करें और इस तरह से अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की डिस्कशन किया करें और उनके बारे में जानने की कोशिश किया करें। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मूसा अलैहिस्सलाम पर मुझे बड़ा ज्यादा रश्क आता है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं। कुरान पाक में सबसे ज्यादा ये वो किताब है जो हम पर हमारे नबी पर नाजिल की गई और जिसको पढ़ना था उम्मत मोहम्मद ने, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस किताब को पढ़ना था और जो आखिरी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किताब का जिक्र जो है वो मतलब वो लोग करेंगे जो बड़े लकी होंगे। और जब इस किताब का जिक्र करने वाला कोई इसको पढ़ता है, इस किताब का इल्म हासिल करता है, उसको कितनी नेकियां मिलती हैं, कितने उसके वो जो आसानियां उसकी जिंदगी में आती हैं। तो आपको पता है इस किताब में सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का किया है। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से ना ऐसे प्यार करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, बिल्कुल एक माँ का बच्चा हो, बड़ा लाडला बच्चा हो कोई, तो माँ उससे बड़ा प्यार करती है, माँ उसके लिए आसानियाँ पैदा करती है, माँ उसके लिए रास्ते खोलती है, माँ उसको अपने साथ लगाती है, उससे प्यार करती है। यकीन करें जब सूरह ताहा की आयात मैंने पढ़ी थी ना, मुझे ऐसे ही लगता था कि मूसा अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह ताला ने एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया है कि मूसा आप अगर इमेजिन करें, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया, दरअसल हमारे दिल में अल्लाह ताला के कलाम का उस तरह से शौक नहीं है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की आप इमेजिन करें उनकी क्या उस टाइम पर कैफियत होगी कि अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया था, अल्लाह ताला ने खुद मूसा से कलाम किया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि खुद अल्लाह ने उससे कलाम किया, यानी दरमियान में कोई फरिश्ता नहीं है, दरमियान में कोई हिजाब नहीं है। ये नहीं कि कोई मैसेंजर आया, कोई वो आया फरिश्ता आया या कोई जिन आया, नहीं कोई भी नहीं, डायरेक्ट अल्लाह एंड मूसा दो लोग हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की जात ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये शर्त दिया कि खुद उनसे मुखातिब हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप एक चीज देखें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ बात भी नहीं की, सिर्फ बात ही नहीं की, उनको बताया कि मैं कौन हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब आवाज आई ना तो वो बड़ा डर गए थे कि ये आवाज कहाँ से आई है, फिर बताया मूसा अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ मूसा, मैं पालने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आयात है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सूरह तौबा की ट्रांसलेशन को जरूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपको उन आयात से मोहब्बत करने की भी तौफीक दे कि आप उन आयात को पढ़ें
और उन पर अमल करें। और सूरह तौहा की आयत आपने, अच्छे चले आपको टास्क दे देते हैं कि आपने सूरह तौहा की आयत देखनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत कब नाजिल हुई थी, इस हवाले से आपने जरूर फाइंड आउट करना है कि अल्लाह ताला ने कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था तौहा, और उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में थे। उस हाल को बताना है आपने कि रसूलुल्लाह कहाँ थे जब ये वाली आयत नाजिल हो रही थी, क्योंकि वही तो ऐसे आया करती थी ना, कभी जरूरत के मुताबिक कोई आयत आई है, कभी कोई आयत आई है। तो सूरह तौहा की जो स्टार्टिंग आयत है वो कहाँ पर नाजिल हुई थी, आप इंशाल्लाह जरूर ये ग्रुप में मैं भी मैसेज कर दूंगी कि आप उसको जरूर शेयर करेंगे, आपके असाइनमेंट है। हम देख रहे हैं वर्स नंबर 51 सूरह मरियम की, हमने ट्रांसलेशन को देखा, अल्लाह ताला कह रहे हैं बस फिल किताब ही मूसा। अल्लाह ताला ने अपने खलील सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्करे के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि आप अल्लाह ताला के नेक बंदों के सुनहरे सिलसिले का तस्करा करें। अब देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जलील कदर पैगंबर हैं, और उनके बाद अल्लाह ताला ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसका जिक्र करने का कह दिया है, मूसा का। यानी यकीनन हलीलुल्लाह के बाद एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप करें। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फिल किताबी कुरान अजीम में, यानी इस किताब में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाम मरतबे और अखलाक अजीम का तज़किरा करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगम्बर थे जो बनी इसराइल में मबऊस किए गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, उनका मुकाम बुलंद है, उनके अखलाक अजीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना सूरह अराफ की आयत नंबर 144 में, अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा यकीनन अपने पैगामात और कलाम के साथ मैंने तुझे तमाम लोगों में से मुंतखब किया है, सो ले लो जो मैंने तुम्हें दिया है और शुक्र करने वालों में से हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ताला ने बुलाया और किताब दी, बाकी पे जो अम्बिया किराम है ना उनके पास अल्लाह ताला फरिश्ता भेजते रहे कि फरिश्ता आता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे रूहुल अमीन और आकर पैगाम भेजा करते थे, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया करते थे। और मूसा को अल्लाह ताला ने खुद बुलाया कि मूसा आपने आना है, जो काम दिए ना पहली मुलाकात में कहा कि वो करके आपने फिर अपने रब के पास आना है, आपका रब आपको किताब देगा, सहीफे देगा। तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात जो थी वो अता की थी। मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियात हम देखें अगर, तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नहू काना मुखलसन, यानी यकीनन वो एक खालिस किया हुआ शख्स था। मुखलिस नाम की जबर के साथ हो तो इसका मतलब है कि चुना हुआ, यानी जिसको सिलेक्ट किया जाए, इस एतबार से ये मुस्तफा मुजतबा और मुख्तार के हम मानी हैं। और तो इसका मतलब है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए अमल करें और ये पसंद ना करें कि लोग उनकी तारीफ करें, यानी अल्लाह ताला ने अपने लिए खालिस कर लिया मूसा अलैहिस्सलाम को। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पसंद किया, उन्हें चुन लिया, उन्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। मुखलिस नाम की जेर के साथ हो तो इसका मतलब है कि मूसा अल्लाह ताला के लिए मुखलिस थे, अपने इरादों में, हस्तियों में, अपने कौलो करार में, अपने अमाल में, यानी अखलास उनका वस्फ था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जात में दोनों ही सिफात पाई जाती थी, यानी लाम के साथ अगर जबर है तो इसका मतलब है सिलेक्टेड वन, और अगर लाम के नीचे जेर है तो अल्लाह ताला के लिए मुखलिस, मतलब अपनी हर चीज में उनमें इखलास पाया जाता है। और अगर पहला हम देखें जबर वाला, तो उसमें यह कि अल्लाह ताला के लिए ही वो सारे काम करें। तो यहाँ पर उनमें देखिए अगर तो दोनों सिफात पाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने इखलास की वजह से उनको चुना, यानी उनमें क्लास पहले से ही था और अल्लाह ताला ने उन्हें चुन भी लिया। हकीकत यह है कि ये मोमिन का कमाल दर्जे का वस्फ है कि जो शख्स अपने आप को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर ले, जो अल्लाह ताला की खालिस तन अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं अगली उनकी बात कि वो कौन थे, वकाना रसूल नबिया, और रसूल और नबी थे वो, यानी रसूल के मायने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को सुनाने वाला, और नबी के मानी वही ए इलाही की खबर देने वाला, दोनों का मफहूम एक ही है। अल्लाह ताला जिस बंदे को लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए चुन लेता है उसे अपनी वही से नवाजता है, और रसूल और नबी कहते हैं उस शख्स को।
यानी अल्लाह ताला ने उनकी जात में रिसालत और नबूवत को यकजा कर दिया, बस रिसालत भेजने वाले के कलाम की तबलीग का तकाजा करती है। ये भी तकाजा करती है कि शरीयत की जो भी छोटी या बड़ी चीज आई है उसे बंदों तक पहुंचाया जाए, और नबूवत इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह ताला की तरफ से इस पर वही आती हो और अल्लाह ताला ने वही की तंजील के लिए उसे मुख्तस कर लिया हो। बस नबुवत का ताल्लुक बंदे और उसके रब के दरमियान है, और रिसालत का ताल्लुक बंदे और मखलूक के दरमियान है। नबुवत क्या होती है कि अल्लाह ताला किसी को अपने लिए नबी चुन लेते हैं, और नबुवत क्या होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स पर वही आती है, और रिसालत क्या होती है कि उस शख्स ने आगे लोगों तक पैगाम भी पहुंचाना होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको रिसालत के मनसब के लिए भी चुना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल भी थे और नबी भी थे, और रसूल वो कैसे थे कि उनको रिसालत का मिशन दिया गया था, फरीजा दिया गया था कि आप उम्मत को पैगाम पहुंचाएंगे। और फिर अगर हम देखें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की जलील तरीन और सबसे अफजल नौ के साथ खास फरमाया, और वो है अल्लाह ताला का उनसे कलाम करना और उन्हें अपनी सरगोशी के लिए अपने करीब करना। अंबिया में से इस फजीलत के साथ सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को खास किया गया कि वो रहमान के कलीम है। ये तफसीर सादी की रिवायत है। एक दफा इमेजिन करें, दुनिया में है कोई ऐसा शख्स जो कहे कि मुझे अल्लाह ने मुझे बुलाया है, मुझे अल्लाह ने अपनी आवाज सुनाई है, मुझसे अल्लाह ने बात की है। कौन है जो ऐसा कह सके? किसने है ये वाली सिफात? ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी है, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती ना, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है, खुद अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, खुद अल्लाह ताला का कलाम कैसी होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ सुनी होगी अल्लाह ताला की, कैसी होगी? उस आवाज को सुनने का मूसा अलैहिस्सलाम को कितना मजा आता होगा, या मूसा अलैहिस्सलाम पर उस आवाज का क्या असर आता होगा? हमारे घर में मौजूद अफराद भी होते हैं ना, किसी की आवाज़ हमें अच्छी लगती है, हमारी माँ जिस तरह से हमारा नाम बुलाती है, हमारे पापा जिस तरह से हमें बुलाते हैं, हमें वो लफ्ज़ अच्छे लगते हैं। बाज़ औक़ात हमें किसी की आवाज़ इतनी पसंद आ जाती है, हम कहते हैं उसकी आवाज़ कितने मज़े की है, बड़ा प्यारा बोलता है वो शख्स, या उसकी आवाज़ बड़ी मीठी है, या उसकी आवाज़ में बड़ी नरमी है। अक्सर औकात आप देखें लोग बड़े सख्त लफ्ज कह रहे होते हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका ऐसा होता है कि उनमें लफ्जों की सख्ती मालूम नहीं होती। तो अल्लाह ताला की आवाज कैसी होगी? कितने लकी हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने अल्लाह ताला की आवाज सुनी और अल्लाह ताला ने उनको खुद उनसे कलाम किया, यानी दरमियान में कोई फरिश्ता भी नहीं आने दिया। अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे बात की थी मूसा अलैहिस्सलाम से। आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वना दई ना हु, और पुकारा हमने उसे। निदा देना, किसी को पुकारना होता है, वना दई और निदा दी ना हमने हु उसे। हु मेल पर्सन के लिए, यानी मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है। मिन से जानिबी जानिब, अतूरी पहाड़ की जानिब से, पहाड़ की एक तरफ से मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला की आवाज आई, अल अयमानी दाई साइड से। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वकर्रबना हो, और हमने करीब किया उसे, नजिया सरगोशी करते हुए। फिर ना मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने हम कलामी के शर्फ से नवाजा। अल्लाह ताला ने इमन से मुराद बबरकत भी है यहाँ पर, दाई साइड बबरकत साइड, यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे और पहाड़ पर तशरीफ ले गए, तो पहाड़ की दाई जानिब से आग वाले दरख्त से उन्हें आवाज आई। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वकर अबना हो नजिया, और हमने सरगोशी करते हुए उसे करीब किया। निदा और मनाजात में फर्क यह है कि निदा बुलंद आवाज में होती है और मनाजात उससे कमतर धीमी आवाज में होती है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला के कलाम और उसके तमाम अनवाम, मसलन निदा और मनाजात वगैरह का इस्बात होता है। जैसा कि अहले सुन्नत और जमात का मजहब है, उसके बरक्स जहीमा मुतज़िला और उनके हम मतलब ग्रोह अल्लाह ताला के कलाम का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं खुद कि अल्लाह ताला ने आपको बुलाया, करीब किया और राजदारी से बात की। आप अगर देखें निदा क्या होती है, आवाज देना, किसी को पुकारना, और इस बात पे अहले सुन्नत वाल जमात का इस बात है।
और दूसरी जमातों का भी है, लेकिन कुछ मसलक ऐसे हैं जो इन चीजों को नहीं मानते कि अल्लाह ताला क्यों कलाम करेंगे, अल्लाह ताला क्यों करेंगे बात। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में कह दिया कि अल्लाह ताला ने मुसहफ से खुद बात की है। कलाम तकलीमा के लफ्ज़ हैं, आप इंशाल्लाह उसको भी जरूर देखिएगा। आयत नंबर 53 में हम देखेंगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्यों अल्लाह ताला ने बात की थी। वहबना, और अता किया हमने, लहू उसे, मिर रहमतीना अपनी रहमत से, अखाहु उसका भाई, हारूना हारून, नबी या नबी। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने उसे अता किया। मूसा पर अल्लाह की खास रहमत क्या थी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर खास रहमत ये थी कि उन्हें मददगार के तौर पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम जैसा साथी अता किया। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के लिए खैर ख्वाह थे। उनके हुस्न सलूक और खैर ख्वाही की दलील ये है कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ जिम्मेदारी में शरीक करके रसूल बना दे। और जैसे सूरह तौहा की आयत नंबर 29 में है ना कि वजअलनी वजीरम मिन अहली, और मेरे लिए मेरे खानदान में से एक मुआविन मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए उन्हें जो है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम को जो है वो दे दिया। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल भी कर ली और बताया भी। सूरह तौहा की आयत नंबर 36 में बता रहे हैं अल्लाह ताला, कौल अकद उतीता सुलकम या मूसा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन जो तुमने मांगा तुझे दे दिया ए मूसा। ये बड़ा जो प्यार है ना अल्लाह ताला का, ये बहुत खूबसूरत है। यानी आप देखें अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में बताया है, जब कुर्बानी वाली वाक्य को हम पढ़ते हैं ना कि इब्राहिम ने उसे जमीन पर लटा लिया और कुर्बानी करने लगा, तो फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम को आवाज दी। तो ये जो अल्लाह ताला आवाज देते हैं ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े प्यारे अंदाज में देते हैं। आप इस आयत को जरूर देखिएगा, वर्स नंबर 36 को, कौला पद ऊती का तो लगा या मूसा, यानी ए मूसा, हाली मूसा नहीं कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला करें या मूसा ए मूसा, यानी ऐसे जैसे आप किसी को बड़े प्यार से नहीं बुलाते, बिल्कुल वैसे ही है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं और अपनी रहमत से उनके भाई सईदना हारून को अल्लाह ताला ने रसूल बना दिया। सईदना हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के ताबे है। वो नबूवत के मामले में सईदना मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करते थे। और अगर हम इस आयत की लफ्जों पर भी डिटेल से देखें, तो लास्ट हमने जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा है तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, वकाना रसूल नबी, वो रसूल भी था और नबी भी था। और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी का कहा है। और रसूल और नबी का फर्क हमने देखा है ना कि रसूल जो है वो रिसालत के मिशन पर भी होता है, कि उसका काम लोगों तक पहुंचाना भी होता है। और जिसको नबूवत मिलती है वो नबूवत उसकी और रब के दरमियान होती है। हाँ, उसको कुछ स्पेसिफिक टास्क अल्लाह ताला देते हैं। और अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की देखें तो उनकी नबूवत इस वजह से थी कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हेल्प करनी थी। आयत नंबर 54 में देखेंगे, वज़कुर, और आप जिक्र करो, फिल किताबी किताब में, इस्माइला इस्माइल का, इन्नाहू यकीनन वो काना था, सादिका सच्चा, अलवादी वादे का, वकाना और था, रसूलन नबिया रसूल और नबी, यानी अब इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ताला कह रहे हैं यानी ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिक्र करें इस कुरान अजीम में सईदना इस्माइल बिन इब्राहिम का, जो सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए, जिनसे अरब कबीले की नस्ल चली, जिनसे बनी आदम के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो आखिरी नबी थे। सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की खसूसियत अगर हम देखें तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यकीनन वो वादे का सच्चा था। वादे का सच्चा वो होता है जो कभी वादा खिलाफी नहीं करता, यानी वो जो वादा करते तो पूरा करते। वो अपने कौल के सच्चे थे, उन्होंने अपने रब के साथ जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। वो जो वादा, उसमें वो वादे भी शामिल हैं जो उन्होंने बंदों से किए थे, जब उनके वालिद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जिबा करने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा, सूरह सफात की आयत नंबर 102 है, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने वालिद को पूरा इख्तियार दिया कि वो उन्हें जिबा कर दे। अल्लाह ताला कह रहे हैं
फिर अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल और नबी बनाया और उन्हें मखलूकात के सबसे बुलंद तबके में से कर दिया। यानी आप मखलूकात में से सबसे बुलंद देखें ना, तो कौन है सबसे बुलंद? इंसान तो अशरफुल मखलूकात हैं ही है, लेकिन इंसानों में सबसे ऊपर आते हैं अंबिया, फिर आते हैं सिद्दीकीन, सालेहीन, शुहदा, फिर आते हैं आम जो उम्मत है ना, वो बाद में आती है। इससे सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की सईदना इसहाक अलैहिस्सलाम पर फोकियत साबित हुई, क्योंकि वो सिर्फ नबी थे। जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया ना, दूसरा जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 33 में, तो अल्लाह ताला कहते हैं, यकीनन अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को मुंतहिद फरमाया है। इससे भी उनकी फजीलत निकलती है कि वो बड़े अफजल नबी थे, यानी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम। और अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने किस किस खानदान को फजीलत दी? आदम अलैहिस्सलाम से तमाम नस्लें इंसानी चली, नूह अलैहिस्सलाम जिनको आदम सानी कहा जाता है, यानी दूसरे नंबर पे उनसे नस्ल चली, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इतना बड़ा एक बड़ी एक फैमिली है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिनसे अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम लिए, अल्लाह के घर को तामीर किया, हज के सारे अरकान देख लें, उमरे के अरकान देख लें, आग में छलांग लगा दी अल्लाह ताला की रजा के लिए, बस कि अल्लाह ताला मुझे बचा लेंगे। तवक्कुल था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वरना कौन सामने जलती आग और इतनी देर से जलाई गई आग में छलांग लगाए। आपको पता है उस आग को जलाने के लिए औरतों ने, तब के जमाने की औरतों ने मन्नतें मांगी थी। किसी ने ये मन्नत मांगी कि अल्लाह मुझे मुझे ये जो बुत हैं उनसे दुआएं करते थे ना, अगर मुझे औलाद देगा ये बुत, तो मैं जो इब्राहिम के लिए आग जलाई जा रही है उसमें मैं लकड़ियां दूंगी। तो इस तरह लोगों ने अपनी मन्नतें मांगी हुई थी कि हम उस आग में लकड़ी देंगे अगर हमारी ये मन्नत पूरी हो गई, हमारी ये मुराद पूरी होगी। तो सोचिए वो आग कितनी देर से जलाई गई होगी, इतने बड़े पैमाने पर जलाई गई होगी, और एक बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें गए और अल्लाह ताला ने साथ ही कह दिया, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी बन जा, सलामती वाली बन जा। अगर अल्लाह ताला सिर्फ ठंडी कह देते ना, तो वो आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाती ठंड उसकी, लेकिन अल्लाह ताला ने सलामती वाली भी कहा उसको, तो इसलिए वो सलामती वाली भी होगी। हम देख रहे हैं कि ये कितने बड़े बड़े फैमिलीज है ना इनकी, ये इनके मुकाम कितने बुलंद है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इमरान के खानदान को मुंतहिद फरमाया। कौन है इमरान? जिनकी बेटी है सईदा मरियम अलैहिस्सलाम, जो उनका आगे ईसा इब्ने मरियम, जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और ये इमरान की फैमिली इनको कहा गया है। और इनमें ही है ना हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम। तो ये आपने इन सारी चीजों को याद रखना है, ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला आपको अता कर रहे हैं, ये वो इल्म है जिसको सीखना आप पर फर्ज है, ये वो इल्म है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और ये वो इल्म है जिसके लिए अल्लाह ताला ने पहली वही में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ना, इकरो, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना नहीं छोड़ना आपने, इंशाल्लाह अपना इरादा हमेशा पक्का रखना है कि मैंने इल्म हासिल करना है, मैंने अल्लाह की किताब को जहाँ सीखने का मौका मिलेगा मैंने सीखना है, जहाँ से इल्म मिलता है, खालिस इल्म मिलता है, उसको कलेक्ट करना है और सर्च करना है, खुद से देखना है कि कहीं आपको कोई गलत बात ना बताई जाए, आप उसको जरूर टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इपाए अहद के बारे में हम देख रहे थे कि वादा पूरा करना अखलाके हमीदा में से है, और वादा खिलाफी अखलाके सैया में से है, यानी बुरे अखलाक में से है ना। रब्बुल इज्जत ने फरमाया है सूरह सफ की आयत नंबर 2 में, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम कहते हो जो तुम नहीं करते वो बात तुम करते ही क्यों हो, कहते ही क्यों हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुनाफिक की निशानियां बताई है ना तीन, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास इमानत रखी जाए तो वो खयानत करे। ये बुखारी की रिवायत है 33 नंबर पर। और 34 नंबर पर रसूलुल्लाह ने इसमें इसमें एक और पॉइंट भी ऐड है, एक दूसरी रिवायत में निशानी ये भी है कि जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पर उतर आए, ये 34 नंबर पर है, बुखारी की रिवायत है। मुनाफिकों की सिफात ईमान वालों से मुतजाद है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की तारीफ की है कि वो वादे के सच्चे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वादों को सच्चा करते
करने वाले थे, और इसी तरह इस आयत के अकॉर्डिंग इस्माइल अलैहि सलाम भी वादों को पूरा करने वाले थे। अल्लाह ताला बता रहे हैं वकाना और था या मुरुकुम, वो हुक्म देता अहलाहू अपने घर वालों को बिसलाती नमाज का, वज़कात और ज़कात का, वकाना और था इंदा नजदीक रबी अपने रब के मर्जिया पसंदीदा। इस्माइल अलैहि सलाम की दावत के अरकान याद कर, वो अपने घर वालों का नमाज और ज़कात का हुक्म देता था। ये अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए लोगों, या आप जो लोग सुन रहे हैं वो क्या करते थे कि अल्लाह ताला को पसंद थे, वो अपने घर वालों का नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। यानी इस्माइल अलैहि सलाम अपने घर वालों और कबीले वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया ना, सूरह तौहा की आयत नंबर 132 है, और आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर खूब पाबंद रहें। हम आपसे कोई रिस्क नहीं मांगते, रिस्क तो हम ही आपको देंगे, और आखिरी अंजाम तो तकवा वालों के लिए। सूरह तौहा की आयत नंबर 132 है। आपको क्या लगता है कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला रिस्क मांगते होंगे, या अल्लाह ताला ने जो रसूलुल्लाह से बात कही है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही है? ऐसा नहीं है, ये कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे लिए नाजिल हो रहा था, ताकि हमें वो मैसेजेस दिए जाएं, हमें वो चीज समझाई जाए। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से कह कह कर हमें समझा रहे हैं। क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, ला नसअलुका रिज़्का, नहीं मांगते हम आपसे कोई रिज़्क। नसअलुका यानी सवाल करते हैं हम, ला नसअलुका, अल्लाह ताला कह रहे हैं ला हम नहीं मांगते आपसे रिज़्क, नहनु नरज़ुकुक, हम आपको रिज़्क देंगे, वल्आक़िबतु लित्तक़्वा, और आखिरत का अंजाम तो तकवा वालों के लिए, जो अल्लाह से डर जाए उसके लिए आखिरत है, कामयाबी उसके लिए। ये अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं कि कहीं आप अपनी रिस्क की कोशिशों में नमाज को ना भूल जाएं, ये ना हो कि आपके घर वाले भी रिस्क की कोशिशों में नमाज की पाबंदी ना करें, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं रिस्क तो हम आपको देंगे। ये अल्लाह ताला का दावा है ना, अल्लाह ताला का वादा है, और रिस्क का वादा तो हम अल्लाह ताला से करके आए हैं। अल्लाह ताला ने तो हमें कहा था आप दुनिया में जाएं, रिस्क आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारा जो काम है वो अल्लाह ताला के दीन को समझना, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये हमारा काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही तरह से इन आयात को समझने की तौफीक अता करना है। आमीन। नमाज जो है वो माबूद के लिए इखलास है, और ज़कात बंदों के साथ एहसान करने के लिए माल में से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद को भी कमाल तक पहुंचाया, दूसरों के कामिल बनने के लिए उनकी मदद की, खास तौर पर वो जो उनके करीब थे, जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हकदार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना, सूरह शोरा की आयत नंबर 214 में है, अल्लाह ताला फरमा रहे, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, यानी जो आपके करीबी रिश्तेदार है ना, वो इससे ज्यादा हकदार है कि आप उनको डराएं, आप उनको अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाएं। तो ये आपका काम है, ये आप पर फर्ज है, आप क्योंकि आपने इन आयात को सीख लिया है। अल्लाह ताला आपसे यही चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो तमाम लोगों को पहुंचा दें। अल्लाह ताला कहते हैं वकान आइंदा रब्बी ही मर्जिया, और अपने रब के नजदीक वो पसंदीदा था। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ये वादा पूरा करके दिखाया, अपने वालिद को पूरा इख्तियार दे दिया कि वो इनको जिबा करें, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है जो इंसान को पहुंच सकती है। फिर अल्लाह ताला ने उनको रसालत और नबूवत से मुत्तसिब किया, जो अल्लाह ताला का अपने बंदे पर सबसे बड़ा एहसान है, और उन्हें मखलूक के बुलंद तरीन तबके में से किया। अल्लाह ताला का पसंदीदा बनने वालों के लिए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये सबक है कि वो वादों के सच्चे और घर वालों के हक में मुखलिस बने, और इन्हें रब शनास बनाने के लिए सलात और ज़कात का हुक्म दें। हमें देखने की जरूरत है क्या घर वालों की तरबियत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से आयत की गई है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला आयत नंबर 6 में हमें बताते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जिस पर तंद मिजाज सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं।
यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ लोगों, अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, क्योंकि उस आग पर वो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, जो अल्लाह ताला के अहकाम के को पूरा करेंगे हर हाल में। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें कह दिया है ना कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो दीन में नई बातें निकाल लेते हैं, जो दीन में तब्दीली करने की कोशिश करते हैं, वो जहन्नम में जाएंगे, तो फिर आप उन फरिश्तों से उस मौका पर लड़ नहीं पाएंगे, आप अपने किसी प्यारे को वहां से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने रब के हुक्म की पाबंदी करनी है। अल्लाह ताला आपको खुद बता रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, ला या सुन अल्लाह, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला के हुक्म की। मा आमरा हूँ, जो उन्हें हुक्म दिया जाए, वही फालून मा युमारून, और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दे दिया किसी हमारे अहलोयाल के बारे में, तो हम क्या कर लेंगे उस मौका पर? कितनी तकलीफ होती है ना, आज अगर हमारे घर में से किसी को कुछ हो जाए, बेशक हम उससे ना बोलें, बहन भाइयों से बात ना करें, हमारे लड़ाई झगड़े होते रहें, लेकिन फिर भी हमारे दिल को कुछ होता है। ये रिश्तेदारियां बड़ी अजीज होती हैं, तो अपने घर वालों को और अपने आप को आपने जहन्नम की आग से खुद बचाना है, इसके लिए कोशिश आपने आज करनी है। यकीन करें कि दुनिया इम्तिहान है, हमारी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, असल कामयाबी, हमारी असल सक्सेस तो ये है कि हमें जहन्नम से आजादी मिल जाए और जन्नत का जो है वो दाखिले का टिकट हमें मिल जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। असल कामयाबी ये है कि हम जन्नत के किस लेवल पर होंगे, उसके लिए स्ट्रगल करनी है हमें। आज दुनिया में हमारे पास कितना माल है, कितना पैसा है, वो मेन नहीं है। मेन ये है कि हमारे पास इस दुनिया में करने वाले अमाल कौन से हैं, कौन से अमाल है जो हम कर रहे हैं, और कौन से अमाल है जो हमें आखिरत की कामयाबी का हमारे लिए बाइस है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात को समझने की तौफीक दें और इन पर अमल करने की तौफीक दें हमें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करें कि आप इनको समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो रात में बेदार हुआ और नमाज पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया और उसने भी नमाज पढ़ी, अगर ना उठी तो उसके चेहरे पर पानी छिड़का। अल्लाह ताला उस औरत पर रहम करे जो रात में बेदार हुई, फिर उसने नमाज पढ़ी और अपने शोहर को जगाया, उसने भी नमाज पढ़ी, अगर ना उठा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। ये इब्ने माजा की रिवायत है, 1336 नंबर पर। तो देखिए इन आयात से अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं कि आप अगर ये काम करते हैं इन फ्यूचर या इन योर लाइफ, तो ये आपके लिए बहुत जो है आसानी का मामला होगा। क्या होगा? अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लड़का जब 7 वर्ष का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की हदायत करो, जब 10 साल का हो जाए तो नमाज के लिए मारो। ये अबू दाऊद की रिवायत है, 494 नंबर पर। क्यामत के रोज अल्लाह ताला इस बारे में बात फुर्स करेंगे, क्योंकि अखलाकी तरबियत दीनी फरीजा है आपका। क्या आपने अखलाक की तरबियत करनी है, अपने इर्द गिर्द लोगों की तरबियत करनी है, नेकी का शौक दिलाना और बुरी बातों से रोकना मोमिन का फर्ज है। यहाँ पर फर्ज है कि आप नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, किसी को उसके हाल पर छोड़ना जायज नहीं है कि वो आप आग का नवाला बन जाए। ऐसे ना करें कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें, लोगों को नेकी का हुक्म देते रहें, बुराई से रोकते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आयत को समझने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट देखेंगे आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वज़कुर, और आप जिक्र करो, फिल किताबी, किताब में, इदरीसा, इदरीसा, इन्नहू, यकीनन वो, काना था, सिद्दीकन, सच्चा, नबी या नबी। तो इदरीस अलैहि सलाम सच्चे नबी थे। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि इस सुनहरे सिलसिले में जिक्र करो, यानी कुराने करीम में सैयदना इदरीस का जिक्र करो, जो सैयदना नूह अलैहि सलाम के जद्दे अमजद थे। सैयदना इदरीस अलैहि सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, ये सैयदना आदम अलैहि सलाम के बाद पहले नबी थे जिन्होंने सबसे पहले कपड़े सिए, यानी ये जो टेलर वर्क है ये सारा सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की वजह से है। यानी इस किताबे करीम में तजीम व जलाल और सिफात कमाल से मुत्तफ होने के अतबार से सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा, आप दर्जी थे, जब सुई में डोर डालते तो सुभान अल्लाह फरमाते, और जब शाम होती तो रुए जमीन पर उनसे ज्यादा अमल करने वाला कोई ना होता था। अल्लाह ताला कह रहे हैं
यकीनन वह सच्चा नबी था, यानी वह कसरत से सच बोलने वाले और अल्लाह ताला की आयात की तस्दीक करने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको बयत वक्त सिद्दीकियत, जो तस्दीक काम, इल्म कामिल और यकीन साबित और अमले सवाले की जामे है, और अपनी वही और रसालत के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सच इंसान को नेकी का रास्ता दिखाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और इंसान सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हाँ सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ इंसान को बुराई का रास्ता दिखाता है और बुराई दोजख की तरफ ले जाती है। इंसान झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हाँ झूठा लिख दिया जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6637 नंबर पर। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है कि वो सच्चे नबी थे। सच अल्लाह ताला की हाँ कितना बुलंद है ना, कितना अजीज है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला कहते हैं वरफअनाहु, और बुलंद किया हमने उसे, मकानन मुकाम में, अलिया बहुत आली। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद दर्जा अता किया गया, इससे मुराद वो बुलंदी है जो नबुवत के बाद उन्हें अता की गई, यानी अल्लाह ताला ने जहानों में उनका जिक्र और मुकर्रबीन के दरमियान उनका दर्जा बुलंद किया। बस वो जिक्र के लिहाज से भी बुलंद थे और मकामो मर्तबे के एतबार से भी बुलंद थे। इससे आम तौर पर आसमान की तरफ उठाना मुराद दिया गया है, लेकिन कुरान हकीम या हदीस रसूल से इसका सबूत नहीं मिलता, और इसराइली रवायात काफी नहीं है कि हम उन रवायात को देखें। दरअसल उनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने बुलंद किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात का सही फहम नसीब करने, आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने पास से रहमत अता करें और हमारे लिए हमारे काम में रहनुमाई फरमा दें। एक दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। सूरह कहफ में आती है ये दुआ, इंशाल्लाह आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। जिसकी ट्रांसलेशन है, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमें हमारे काम में रहनुमाई अता फरमा दीजिए, यानी हमारे लिए आसानी का मामला फरमा दीजिए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।